जी, तो कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी वीडियो। और आज जो मैं लंच थाली बना रही हूँ वो हस्बैंड की फेवरेट है। तो इसकी पहली रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर ली है ये तोरी, और इसे अच्छे से छील कर धो लिया है। हमारे यहाँ इसे झुगनी कहते हैं और जगह शायद तोरी कहते होंगे। तो अच्छे से छील कर पहले धो लेंगे और फिर उसके बाद इस तरीके से पतले लंबे टुकड़ों में हम इसे कट कर लेंगे। तो बस रेडी कर लिया है मैंने सभी तोड़ी को काट करके। अब कढ़ाई में डाला है सरसों का ऑयल और उसमें डाल दिया आधा चम्मच पंचफोरन, दो तेज पत्ता और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। और लगभग एक मिनट के लिए इस तड़के को हम पकने देंगे। और जब वो पक जाता है उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पतले लंबे टुकड़ों में काट कर और इसे हम धीमी आँच पर हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। तो प्याज को धीमी आँच पर पहले थोड़ा सा सुनहरा होने तक भून लेना है। उसके बाद हम इसमें ये कटी हुई तोरी या झुगनी ऐड करेंगे और बस मिक्स करके 1-2 मिनट ऐसे ही पकने देंगे। 1-2 मिनट पकने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी, बस इतना ही। इसमें कोई और ना तो मसाला जाएगा और ना ही पानी। ये जो हमारे यहाँ बनता है झुगनी का भुजिया, ये ऐसे ही बनाया जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई मसाला नहीं जाता और तेल भी बहुत कम ही डलता है। तो गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट सब्ज़ी होती है ये, और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है। तो झुगनी हमारा ये पक रहा है, लगभग बस 4 से 5 मिनट में ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। और तब तक हम बना लेते हैं दूसरी रेसिपी, ये आलू का चोखा। तो आलू को मैंने छील करके दाल के साथ ही उबाल लिया है। और यहाँ पर है ये 2-3 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा। इसका तड़का बना करके मैंने यहाँ पर डाला है, साथ ही डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक। और जीरा मिर्च को पहले नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज। और अच्छे से उसे मिक्स करने के बाद उसके बाद आलू को तोड़ कर इसमें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये है चोखा, आलू का चोखा। वैसे तो चोखा की कम से कम 8-10 तरीके से मैं आलू का चोखा बनाती हूँ, तो हर दिन एक अलग नई रेसिपी होती है। तो हमारा आलू का चोखा भी बन गया, झुगनी की भुजिया भी बन गई। अब लगाते हैं अपनी लंच वाली थाली। तो ये है हरे मूंग की दाल जिसे मैंने भून कर बनाया है, और साथ ही ये हमारी भाषा में कहें तो झुगनी का भुजिया और आलू का चोखा। तो ये है हमारी आज की लंच वाली थाली, एकदम सिंपल और स्वादिष्ट। साथ ही रख देते हैं इसमें थोड़ा सा एक टुकड़ा आम का अचार। और इस पूरे खाने में कोई भी मसाला नहीं डाला है, ना ही ज़्यादा तेल है। तो गर्मी के लिए इस तरह का हल्का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। आप एक बार इस तरीके से ये बिहारी थाली बना कर देखिए, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप लोगों को। और ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो।